लेकिन यार फिर हालत बुरी हो जाएगी घर पहुंचने में लेट। लाओ दो भाई। तो गाइस अब हो चुका है थोड़ा पढ़ने का टाइम, जोर की नमाज पढ़ ली है अब। लेकिन मैंने सोचा यार आज प्रैक्टिस कर ली जाती थोड़ी गिटार पे। अभी मुझे मैं रमजानों की याद आ गई, बहुत दिन से मन भी कर रहा था। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना कि बस शूज अलग ही है, अलग लेके जाता हूँ। अयान अयान बोली भाई इसके क्या करना है, मेरे को इसको समझ नहीं आ रहा। सारा टंकी का पानी खाली हो जाएगा। ओके गाइस, रात के बज रहे हैं 3 और जब मैं यहाँ पर उठा नमाज पढ़ने के लिए सुबह, तो मैंने देखा देखो पानी लीक हो रहा है यहाँ से सारा। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कैसे पानी की आवाज़ आ रही है। अब आके देखा तो ये सारा पानी यहाँ से लीक हो रहा है देखो। अब मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे करूँ सही। ये नल की फिटिंग कुछ पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, चेक करना पड़ेगा भाई। कैसे रोकूँ उस पानी को। चलो पहले नमाज पढ़ते हैं फिर देखते क्या करते। इबादत डन, नाव अजान हो रही है, अब हम पढ़ते हैं फजर की नमाज। मेरी नमाज डन हो चुकी है और देखो कौन उठा, वॉशरूम के लिए उठे ही हैं। अयान अयान वो लीक हो रहा है देख उधर जाके। हो उठ ही गए हैं मतलब सुबह जल्दी, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज कर करके मुझे देख रहा है कुछ खाने के लिए, मुझे भी भूख लग रही है लेकिन मैं डाइट पे हूँ। मैंने रात में क्या खाया था आई डोंट नो यार। हाँ आई जस्ट हैड अ कप ऑफ एक्चुअली यस अ कप ऑफ राइस एंड अलोंग विद सम अ फुल बोल ऑफ सैलड। बहुत सारी सलाद खाई थी लेकिन सलाद से क्या पेट भरता है। लेकिन डाइट पे हूँ क्या करूँ मैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं खा सकता फिलहाल। तो ये गर्म कॉफी नहा दिया था, रात मैंने नहा भी बनाई थी मम्मी ने। तो देखो भाई इसके क्या करना है, मेरे तो इसका समझ नहीं आ रहा। सारा टंकी का पानी खाली हो जाएगा भाई हमारा, ऐसे तो कैसे रोकूं मैं इसको यार। क्या गाइस अयान ने नहारी गर्म कर ली है, तंदूरी रोटी से खा रहा है लेकिन मैं तंदूरी रोटी नहीं खाऊंगा, अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल। मम्मी ने पराठा बना के रखा था आधा, तो वही खा रहा हूँ। तो गाइस अभी मेरे पास इतना कुछ है तो करने के लिए नहीं, तो सुबह सुबह उठ तो गया, नमाज वगैरह पढ़ ली जो मतलब सॉरी वॉट एवर आई हैव डिसाइडेड आई जस्ट डिड। अब सोच रहा हूँ सो जाता हूँ क्योंकि बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ 1 घंटे की नींद ली थी और लेके उठ गया, अब सो जाता हूँ दोबारा। आपसे सुबह मिलते हैं। ओके इसमें जा रहा हूँ नाश्ता लेने सुबह का और सामान लेने पकाने का। बताओ कितना हो गए, ये लो लाओ दो मेरा सामान निकाला भी नहीं अभी तक। मैं नहीं बताऊँगा अपना, सोचो क्या बोल के गया था मैं। तुम ब्लॉग में आ रहे हो फिर से, आज मैं बहुत टाइम बाद शूट कर रहा हूँ ब्लॉग। तो गाइज ये भाई शुएब है, यहाँ हमारे यहाँ चीज़ बेचते हैं गली में और राशन वाशन भी। इनको लड़की चाहिए शादी इनकी है। तुम मैरिड हो सच्ची है, मुझे नहीं पता था। ले हम तो तुम्हें कुआरे समझते थे अभी तक। गाइज ये मैरिड हैं, रहने दो 3 साल हो गए उनकी शादी को हैं। खा रहा हूँ नाश्ते में चौकोस और दूध के साथ, मम्मी पी रही है चाय। तो गाइस अब हो चुका है थोड़ा पढ़ने का टाइम, जोर की नमाज पढ़ ली है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा अपना प्रोजेक्ट से रिलेटेड।
टाइम हो चुका है खाना खाने का। मम्मी ने बनाई है आज दाल गोश और साथ में थोड़ी सी भिंडी की सब्जी बनाई है। गाइस नाउ आई हैव चेंज माय क्लोथ्स, इट्स टाइम टू गो टू जिम। नाउ आई हैव गॉट ऑल द थिंग्स, माय शेकर बैग में पैक कर दो और जिम के शूज़ अलग ही हैं, अलग लेके जाता हूँ। तो पहुँच गए हैं फाइनली जिम, खाली पड़ा है, अभी तक कोई नहीं आया है। सबसे पहले करते हैं वार्म अप, पहले पहले जिम ख़त्म, अब जा रहे हैं घर वापस। सोच रहा हूँ पैदल पैदल चल लूँ, लेकिन यार फिर हालत बुरी हो जाएगी, घर पहुँचने में लेट भी हो जाएगा। जिम से आके ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया मैं, मतलब यहाँ हमारे यहाँ तो गर्म पानी आ रहा है, मैं अपनी दादी के गया था वहाँ से ठंडे पानी से नहा के आया हूँ। अभी हालत बुरी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, इसकी वजह से ना पूरी दम की हीट हो रही है हमारी। जिम से आके नहा के अब जो है मैं बनाऊँगा अपने लिए, कुछ भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, क्या बनाऊं। नमाज मैं खा रहा हूँ सलाद बना के, मैंने अपने लिए सलाद बना रखी थी वो, और ये आ गए मेरे कजन्स, इनको थोड़ा बहुत पड़ा। आज पूरे एक हफ्ते बाद मैंने गिटार निकाला है, पता नहीं मन नहीं कर रहा था बजाने का, लेकिन मैंने सोचा यार आज प्रैक्टिस कर ली जाती थोड़ी गिटार पे। अभी मुझे, मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ एक्चुअली, बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब से देख देख के वही गा पाता हूँ और वही बजा पाता हूँ, जो यूट्यूब से सीख लेता हूँ थोड़ा बहुत। मुझे बस ई माइनर और जी मेजर के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो गाइस मम्मी ने बनाया यहाँ पर रोज़ा आज डिनर के बाद, रमज़ानों की याद आ गई, बहुत दिन से मन भी कर रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बस पूछो मत, मज़ा आ गया भाई। अयान भी आ गया है, देखो गाइस कहाँ है देखो। चलो जी, मुझे लगता है आज का व्लॉग बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत टाइम बाद शूट करा है मैंने। बाय बाय।